बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल की जहां अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। जी हाँ, मीडिया में चल रही मी टू की क्रांति को सलाम करते हुए न्यूज़ क्लिक पर मीडिया पर खरी खरी कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं। We are against the death penalty. They pick up the emergency. हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इस समय मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भूकंप आया हुआ है। यह अपने आप में ऐतिहासिक परिघटना है। इस भूकंप ने पितृसत्ता की जो अभेद दीवारें हैं उनको गिराने का काम शुरू किया है। एक औरत जो मीडिया में या एंटरटेनमेंट में काम कर रही है, उसके लिए वहां काम करना कितना मुश्किल है, इसके तमाम वाक़े, तमाम हलफनामे, तमाम टेस्टमनीज एक एक करके बाहर आ रही हैं, और इससे पता चलता है कि जो पितृसत्ता है और उससे जो जुड़ी हुई घिनौनी यौन लिप्सा है, वह किस तरह से तमाम पेशों में अपनी गिरफ्त बनाई हुई है और महिलाओं को अपना शिकार बना रही है। तमाम चर्चाओं के बीच बहुत मुश्किल से एक ऐसा खुलासा हुआ जिससे केंद्र की मोदी सरकार परेशानी में आई है। यह खुलासा हुआ है केंद्र के राज्य विदेश मंत्री एमजे अकबर के बारे में। उनके ऊपर एक के बाद एक महिला पत्रकारों ने गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। एक के बाद एक महिलाएं बता रही हैं कि किस तरह से अलग अलग पदों पर रहते हुए एमजे अकबर ने उनके साथ यौन शोषण किया, उनको बिस्तर पर उतरने के लिए मजबूर किया, उनको ऐसा ट्रॉमा दिया जो सालों साल तक उनके साथ रहा। वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी ने सबसे पहले एमजे अकबर का नाम लिया। तब से लेकर अब तक एक के बाद एक महिलाएं सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से अलग अलग समय में एमजे अकबर ने इस तरह से उनके ऊपर शोषण किया, और उस शोषण को पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वहां पर उसने सहमति दी या वो चुप रहे। ऐसे ब्यौरे हैं जिसको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता चलता है कि वह शख्स जब संपादक था तो कितनी बेशर्मी से खुलकर अपनी यौन लिप्सा का नंगा खेल खेलता रहता था, और बेलगाम चलती रही ये बेहियाई यौन अपराध में गले तक डूबे इस शख्स पर किसी ने कहीं से भी लगाम नहीं लगाई। वह भी तब, जबकि अगर आप बात करिए दिल्ली या महानगरों में तो वहां पर तमाम लोग आज नहीं इतने साल पहले तक बात कर रहे थे कि किस तरह से एमजे अकबर, और सिर्फ एमजे अकबर का ही मामला नहीं है, आज की तारीख में जो तमाम चैनल हेड्स हैं उनके बारे में भी कहानियां न्यूज रूम से लेकर मीडिया सर्कल से लेकर तमाम जगहों पर पसरी हुई हैं, लेकिन उनके बारे में आज की तारीख तक कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। अगर वो ब्यौरे सामने आए तो कितने चेहरे बेनकाब होंगे यह बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसी कहानियां सब जगह फैली हुई है जो बताएंगे कि आज के जो चैनल हेड हैं, जो वहां पर लगातार मजबूर हो रहे हैं आज की तारीख में मी टू पर कार्यक्रम करने के लिए भी, वह खुद किस तरह का यौन शोषण, यौन हिंसा अपने जूनियर कलीग्स के ऊपर करते रहे हैं। मी टू अभियान पर इस समय राजनीतिक होने के आरोप लग रहे हैं। इसका जवाब बहुत बुलंदी से दिया प्रिया रमानी ने। उन्होंने कहा कि जब एमजे अकबर कांग्रेस में थे तब भी वो यौन शोषण करने में लगे हुए थे, और आज जब बीजेपी में हैं तब भी वो यौन शोषण के अपराधी हैं। यानी पॉलिटिक्स चेंज करने से या पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करने से यौन लिप्सा, यौन हिंसा और आपका जो एक आपराधिक चरित्र है वह बदलता नहीं है। यहां ध्यान देने की बात है कि अभी तक इस पूरे मामले में उनका एक मंत्री शामिल है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, एक शब्द उन्होंने ही नहीं कहा है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, उनकी जो तमाम मंत्रिमंडल हैं उन्होंने तक नहीं कहा है। यहां तक कि जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को कुछ महिला पत्रकारों ने घेरा और एक सवाल पूछा कि आप एक महिला हैं, आप एक मंत्री हैं और आप ही के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति पर आरोप लगा है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी, और उन्होंने सिरे से इसे नकार दिया। Ma'am, there are serious allegations leveled against Mr. Imtiaz Akbar. These are sexual harassment allegations. You're a woman minister in charge. Yes, ma'am. Will there at least be an internal probe, ma'am? Will there be a probe, ma'am, on the allegations? Thank you. इससे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल क्लास है
वह इस मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। मेनका गांधी का एक बयान आया है जिसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं उदित राज फिर कूदते हैं और बताते हैं कि जो महिलाएं सामने आ रही हैं, ये कुछ लाख रुपए लेकर किसी को भी निशाने पे लगा लेती हैं। ये है हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, क्योंकि वहां पर भी डर है। पुरुषों के पास आर्थिक शक्ति है, पुरुषों के पास राजनीतिक शक्ति है, पुरुष अब अवॉइड करने लगे हैं, नेता भी हो अधिकारी हो अकेले औरत से मिलने में अवॉइड करने लगे हैं। क्यों अवॉइड करने लगे? टेरर है, आतंक है। तो ये केस बाई केस होना चाहिए। तमाम केसेस मेरे पास आए, मैं जानता हूँ। जो हैबिचुअली औरतें ऐसी हो गई हैं जो आरोप लगाती हैं, 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर के छोड़ देती है, फिर दूसरा चुनती है। औरतें चोरी भी करती हैं, ब्लैकमेलिंग भी करती हैं, हनी ट्रैप के केसेस नहीं आ रहे। ये परफेक्ट है, औरतें क्या परफेक्ट है? मेल मैं मानता हूँ कि मेल क्या नेचर है। ऐसा नहीं है कि जो यौन हिंसा की बात हो रही है वह सिर्फ इंटरटेनमेंट या मीडिया तक केंद्रित हो, एडवर्टीजमेंट तक केंद्रित हो, ऐसा नहीं है। इस बारे में अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने जो बयान दिया वो बहुत अहम है और उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी महिलाएं हैं, जहां कहीं भी वे काम कर रही हैं, वहां पुरुषों की जो यौन लिप्सा है, जो आपराधिक मनोवृत्ति है, वह उसी तरह से उनको निशाने पर ले रही है और इस पर बात खुलकर होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि महिलाओं का ये जो मीटू अभियान चल रहा है, इसे जबरदस्त समर्थन मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके समर्थन में, जी हाँ, मीटू का जो अभियान चल रहा है, इसके समर्थन में बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं। पत्रकार बिरादरी से लेकर सिनेमा के लोग, तमाम ऐसे लोग जो अभी तक चुप रहे हैं, उन सब ने महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाई है। बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरी गई है, कई लोगों को नोटिस मिल रही है, यानी खलबली है। मीटू कैंपेन की अनदेखी आज की तारीख में कोई नहीं कर पा रहा, चाहे दिल में कसक ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें बोलना पड़ रहा है कि महिलाओं के ऊपर जो यौन शोषण हो रहा है वह गलत है, क्योंकि आप यह नहीं बोल सकते कि यह सही है। ये कारनामा महिलाओं ने कम से कम मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कर दिखाया है। एडिटर गिल्ड ने एक बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं उतरी हैं इस अभियान में, उनका वो पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जिनको भी कानूनी मदद चाहिए वो मदद देने के लिए तैयार है। महिला प्रेस क्लब ने तमाम मीडिया घरानों से अपने सिस्टम को ठीक करने और एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी बनाने को कहा है। NWMI यानी नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया ने खुलकर मीटू का समर्थन किया है और बताया है कि इस तरह के तमाम वाक्य जो हो रहे हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा ने विनीता नंदा, जो कि लेखिका और डायरेक्टर रही हैं, की जो शिकायत थी आलोक नाथ, जी हाँ आलोक नाथ, वही आलोक नाथ जिन्हें संस्कारी बाबू के रूप में जाना जाता है, उनके खिलाफ जब इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने बलात्कार किया और किस तरह से मानसिक प्रताड़ना और यौन प्रताड़ना उन्हें दी, शुरू में उसकी अनदेखी हुई, लेकिन बाद में इस एसोसिएशन ने उसको नोटिस में लिया और कहा कि उस पर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर जो आरोप लगाया था, उनके समर्थन में महाराष्ट्र महिला आयोग आया। बॉलीवुड के तमाम अभिनेताओं ने इसके समर्थन में बयान दिया। डायरेक्टर विकास बहल को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने शो कॉज नोटिस दिया है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि तमाम अभिनेता अभिनेत्रियां खुलकर सामने आ रही हैं और बोल रही हैं कि यह आदमी गलत है और इसके साथ वह फिल्म करने को तैयार नहीं है। ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें लग रहा है कि जो लोग सेक्सुअल ऑफेंस के आरोपी हैं, जिन्होंने ऐसा किया, जिनके खिलाफ महिलाएं बोल रही हैं, उनकी कम से कम मीडिया से या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से छुट्टी होगी या उन्हें शेम किया जाएगा। यह नेम और शेम करने का जो अभियान मीटू कैंपेन ने चलाया है, इसकी गूंज दूर तक जा रही है, नीचे तक आवाज पहुंच रही है। और निश्चित तौर पर हम ये नहीं मान सकते कि बाकी सारा समाज बहुत चुप है या जो पीड़ित सेक्शन है उसकी बात लोग बहुत आराम से सुने जा रहे हैं, पितृसत्ता के टूटने पर कोई हंगामा नहीं हो रहा। इन तमाम महिलाओं की, इन तमाम ट्वीट्स की, फेसबुक पे लिखे जाने वाले तमाम पोस्ट पर जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है, इतने अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं, बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, इन तमाम महिलाओं को, महिला पत्रकारों को, अभिनेत्रियों को गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं और सब कुछ सार्वजनिक तौर पर हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब क्यों,
जब हुआ था तब क्यों नहीं सवाल उठाया? मानो कि उन्हें पता ही नहीं कि देश का कानून यह कहता है कि सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में जो विक्टिम है वह अपनी इच्छा से सवाल उठा सकता है। और सेक्सुअल वॉयलेंस के जो पूरा का पूरा परसेप्शन सिर्फ भारत ही में नहीं पूरी दुनिया में जो कैंपेन चल रहा है उसमें महिलाएं इतने ट्रॉमा इतनी वेदना में रहती हैं कि उनको बाहर निकलने में बहुत समय लगता है। हमने ऐसे तमाम हजारों वाकये देखे हैं भारत से लेकर पूरी दुनिया में, अमेरिका में, लंदन में, तमाम जगहों पर, जहां सालों साल यातना झेलने के बाद महिलाएं सामने आती हैं और बताती हैं कि यह जो पुरुष जिसका पब्लिक फिगर बहुत ऊंचा है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ महिलाओं ने सामने आकर बोला कि इतने सालों तक वो किस तरह से यौन शोषण करते रहे। यानी ऐसे तमाम प्रेसिडेंट्स, ये तमाम उदाहरण हैं, लेकिन भारत में जब यह डिबेट शुरू हुई, इन महिलाओं ने, इन लड़कियों ने सामने आकर बोलना शुरू हुआ, तो एक सेक्शन जो पुरुषों का है और कई महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, वह लगातार ये बोल रही हैं, लिख रही हैं और लोग बता रहे हैं कि जो तमाम महिलाएं हैं इनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये आखिर इस समय क्यों बोल रही हैं? जब उनके ऊपर यौन शोषण हुआ तब क्यों नहीं बोले? जबकि दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दिया जाए ताकि नीचे तक जो और शोषण चल रहा है वह भी चीजें सामने आए। अभी इंतजार तो इस बात का है कि जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं, और मैं यहां जोर देकर कहना चाहूंगी कि इसी दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं जिनके टीवी को लेकर तमाम तरह की बातें होती रही हैं, हम जानते हैं कि इसी दिल्ली में एक यंग जर्नलिस्ट ने सुसाइड कर लिया था यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आधार पर। इन तमाम सवालों को दोबारा से केंद्र में हम कैसे और कब ला पाएंगे यह देखना जरूरी है। इसी से जुड़ा एक सवाल है जो दिल को थोड़ा दुखा रहा है। वह सवाल यह है कि ये जो मीटू कैंपेन है जो महिलाओं ने शुरू किया, यह अंग्रेजी से बाहर निकलकर हिंदी और दूसरी भाषाओं तक क्यों नहीं पहुंच रहा? वहां जो काम कर रही हैं महिलाएं, जो वर्नाकुलर मीडिया में महिलाएं हैं, वो क्यों नहीं आ पा रही हैं? वो क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रही हैं अपने खिलाफ होने वाले तमाम तरह के उत्पीड़न पर बात करने की, उनका खुलासा करने की, उनको एक्सपोज करने की? ऐसा नहीं है कि वहां पर महिलाओं के साथ शोषण नहीं हो रहा। अगर ऐसे में वह खुलकर बोलेंगी तो कौन उन्हें नौकरी देगा? घर, रिश्ते, नातेदार, कहाँ उन्हें जगह मिलेगी? ये सारे सवाल जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं उस समय पूरी की पूरी पट्टी में घूम रहे हैं, लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर किन परिस्थितियों में वहाँ पर महिला पत्रकार काम कर रहे हैं। क्या उनको कोई गारंटी है कि अगर उन्होंने यह सवाल उठाए तो कोई सुनेगा, उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी? इस बारे में जब मैंने बात की चेन्नई में जो काम करती हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं जया रानी, दलित एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से 2002 में जब वह तमिल मैगजीन विघटन में काम करती थीं तब उन्होंने अपने एक सहयोगी पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसको दर्ज कराने में इतनी मुश्किल हुई थी, वहां पर पूरा का पूरा मैनेजमेंट और उनके जो सहयोगी थे वो सारे लोग दोषी के साथ खड़े हुए थे और वो लगातार उसे समझा रहे थे कि इस तरह की शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जया रानी, जिनकी वो पहली नौकरी थी, बहुत मुश्किल से डटी रही और उन्होंने 3 साल तक वहां काम किया जब तक उस व्यक्ति को वहां से निकाला नहीं गया। लेकिन जया रानी का कहना है, मी टू कैंपेन हैज नॉट क्रिएटेड एनी इम्पैक्ट इन तमिलनाडु सैडली। वुमेन जर्नलिस्ट हियर आर वेरी डिटैच्ड एंड detached to this issue and or keeping a big silence. Not even one journalist, even the seniors and experienced, had the courage to share their personal horrifying stories if they have any. Tamil media is running with all its fundamental beliefs and the newsrooms are highly dominated by men. Women here does not have the freedom to choose the content, choose the topics, news stories, what they wish to do. In that given situation, we can't even think about a woman journalist opening up her mouth against the harassment she's going through.
कि वो कहती हैं कि वह क्योंकि बराबर का हम सहकर्मी था, अगर वह बड़ा पद पर बैठा हुआ सहकर्मी होता तो शायद इस तरह का एक्शन लेने में और मुश्किल होती। और आज की तारीख में मामला सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है या तमिल पत्रकारिता का नहीं है, यही उदाहरण आपको तेलुगु में दिखाई देगा, यही उदाहरण आपको कन्नड़ा में दिखाई देगा, उड़िया में दिखाई देगा, और हिंदी में तो हाल और बेहाल हैं। हम ऐसे तमाम महिला पत्रकारों को जानते हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई, केस तक मामला पहुंचा, लेकिन ना तो मैनेजमेंट साथ आया और ना ही सहयोगी साथ में आए, और फाइनली उस महिला को नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। और एक बार नौकरी से बाहर हो जाइए तो कहीं और नौकरी नहीं मिलती है। इस बारे में जब हमने बात की सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में ट्रांसपेरेंसी रिव्यू एंड हेड स्टडीज की एडिटर अनु आनंद से, तो उनका कहना था कि अभी हिंदी और बाकी भाषा भाषी क्षेत्रों में महिलाओं का खुलकर सामने आना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसकी ठोस वजहें हैं नौकरी की परिस्थितियाँ, ठोस वजहें हैं सामाजिक स्थितियाँ, और ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर उनको ये भरोसा नहीं है, उनके पास वो सामाजिक कुशन नहीं है जिसे हम सोशल कुशन कहते हैं, कि अगर वह गिरी तो कोई संभालने वाला होगा, कोई उनके समर्थन में आवाज उठाने वाला होगा। महिलाओं ने अपने साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बोलना शुरू किया है थैंक्स टू द मी टू कैंपेन, और ये हमारे लिए एक खुशी की बात है और हमें हमारे उन महिलाओं के साथ हमारी फुल सपोर्ट है। लेकिन जो लड़कियाँ इस किसी भी कारणवश अगर नहीं भी आके ये अपने साथ हुए हुए कोई किसी भी प्रकार के दुराचार के एक्सपीरियंस को अगर नहीं शेयर कर पा रही हैं, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दियर चॉइस। लेकिन और इसके पीछे कई कारण हैं, इसका ऐसा नहीं है, बहुत सारे सोशल इकोनॉमिकल और कल्चरल इशू है जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो है चुप करके इसको झेल जाती हैं, या कहना भी चाहती हैं तो नहीं कह पाती हैं। सवाल यह है कि यह कब बदलेगा? ये जो पूरी की पूरी परिधि बनी हुई है, जो पितृसत्ता की पकड़ है, वो इतनी तगड़ी है, हर इंस्टीट्यूशन पे जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, जहां पर महिलाओं के लिए बोलना, जिंदा रहना, इंडिपेंडेंट काम करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि नौकरी कम है, और मीडिया और तमाम जगहों पे, और ख़ास तौर से मीडिया में हम सब ठेके के मजदूर हैं, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास यह सिक्योरिटी नहीं है कि आज अगर हमारे साथ कोई वारदात होती है तो हमें बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर है। जब हम बात कर रहे हैं तब अगर ये पड़ताल की जाए कि कितने मीडिया घरानों ने एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बनाए हैं तो पता चलेगा कि ज़्यादातर में नहीं है। अगर आप देखिए कि कितनी जगह पर महिलाएं संपादक हैं या इम्पॉर्टेंट रोल में हैं, तो हिंदी में तो आपको तकरीबन अकाल दिखाई देगा। जो मुख्यधारा के तमाम अखबार हैं वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है, जो ग्लास सीलिंग है, वह इतनी तगड़ी है जिसे तोड़ पाना आज की तारीख तक बहुत मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो मीटू कैंपेन है, इसने जो एक आग लगाई है, इसने जो जलजला मचाया है, पितृसत्ता पर सीधे सीधे हमला बोला है, वह नीचे तक वहां तक कब पहुंचेगा जहां पर जो एक आम पत्रकार है, आम महिला पत्रकार है, जो एक आम एक्ट्रेस है, जो एक आम सोशल वर्कर है, जो एक आम कार्यकर्ता है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, उसके पास ये हौसला आए कि वह बोले मी टू, वह सीधे सीधे ये बात करे कि जो मेरे ऊपर हिंसा करने वाला है, जिसने यौन लिप्सा के साथ, लस्ट के साथ मेरा उत्पीड़न किया है, जिसने मेरे नो को नो नहीं समझा है, जिसने ये समझा है कि महिला के नो का कोई मतलब नहीं होता है, उसे कब सजा मिल पाएगी, वहां तक बात कब पहुंच पाएगी? मुझे लगता है ये एक मशाल जली है। भारत में इस मशाल का जलना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नकारा नहीं जा सकता। इस कैंपेन ने इस पूरे मामले को यहां तक पहुंचाया है कि आज इसकी अनदेखी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार कर पा रही है, उसके मंत्री कर पा रहे हैं, लेकिन उन पर भी सवाल हो रहे हैं। आज एमजे अखबार पर सवाल उठ रहे हैं और तमाम मीडिया घरानों को उठाने पड़ रहे हैं, उन्हें खबरें छापनी पड़ रही हैं। शुरुआत टेलीग्राफ ने जरूर की, लेकिन उसके बाद आज तमाम अखबारों को अंदर ही सही यह रिपोर्ट तो करनी ही पड़ रही है, और महिलाएं, महिला पत्रकार यह पूछने को उतारू हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे मेनका गांधी हो, कि आखिर आपकी सरकार कब एक्शन लेगी।
यह जवाबदेही का जो माहौल बना है यह बहुत अहम है। आवाजें देश के कोने कोने से इसमें शामिल हों, तमाम महिलाएं अपनी बात रख पाएं, यौन शोषण को ना कहने वाली और आरोपियों को बदनाम करने वाली इन तमाम महिलाओं को सलाम कहते हुए इस बार हम लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर कुछ जलते हुए सवालों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। शुक्रिया।